प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। आज हम महाराष्ट्र की DG रश्मि शुक्ला साहिबा से हमने मुलाकात की अभी, और हमने उनको पूछा कि मैडम 14 जुलाई के दिन जो कोल्हापुर के अंदर घटना हुई उसके बारे में आपने क्या संज्ञान लिया है, क्या किया आपने? हमको तो जो घटना दिख रही है वो 6 दिसंबर की याद दिला दी हमको, किस तरह से लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ गए कुछ हिंदुत्ववादी के गुंडे और वहाँ पर हथौड़े से मीनारत को तोड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर पूरा वेंडलाइज कर दिया, कुरान पाक की बेहरमती की गई, उसको जलाया गया। इतना ही नहीं, उसके पहले मुसलमानों के घरों में जबरन घुसकर औरतों को मारा, लूटपाट की, बच्चों को मारा, और ये सब हो रहा है और आपका पुलिस प्रशासन देख रहा है। तो आपका पुलिस प्रशासन टोटल फेल हो गया मैडम, आपने क्या इसमें स्टेप लिया है? हमने यहाँ तक कहा कि जब इसको अनाउंसमेंट किया कि कल हम वहाँ जाएंगे, इल्लीगल अतिक्रमण है वो हम हटाएंगे, ये कर देंगे, जिस नेता ने इस बात का आह्वान दिया तो पुलिस प्रशासन ने उसको जाने की इजाज़त क्यों दी? प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लिए? प्रिवेंटिव मेजर्स महाराष्ट्र सरकार ने क्या लिया, पुलिस ने क्या लिया कि इस तरह की घटना नहीं घटे? तो हमको तो ऐसा लगता है कि क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं अभी विधानसभा के, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है फडणवीस सरकार और शिंदे सरकार ने मिलकर। तो आपकी सरकार तो सिर्फ बैठी है, देख रही है, आपके पुलिसकर्मी सिर्फ देख रहे हैं, और इनको खुली छूट दे दी है उन गुंडों को जाकर लूटपाट मचाने के लिए। मैडम ने हमारी बात को सुना है, उन्होंने हमको कहा है कि अभी हमने 21 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया है, 5 केस हमने बुक किए हैं, उनको पुलिस कस्टडी हुई है, 18 तारीख तक के वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे, रिमांड उनको मिला हुआ है, और जो भी कर्मचारी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको सख्त जेल डालेंगे, और हम ऐसा करेंगे कि आगे से इस तरह की कोई घटना न घटे। मैंने कहा मैडम देखिए, ये मैसेज ऐसा नहीं है कि मुसलमान डर गया है, नहीं, हम डरते किसी से नहीं है मैडम, लेकिन हम कायदे कानून का सम्मान करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, और हम कायदे कानून के दायरे में रह के अपनी बात रखते हैं। अगर अब देखिए 4 तारीख को रिजल्ट आया, तब से लेके अब तक मैडम हमने कहा कि कितनी जगहों के ऊपर मुसलमानों की बॉम्ब लिंचिंग हो गई, कितनी जगहों पर मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर इस तरह से अटैक हो रहा है, और मैंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो अटैक है ये हमको तो आतंकवादी अटैक टाइप दिख रहा है, किस तरह से गुंडे घुस रहे हैं ऊपर आतंकवादियों की तरह, मीनारत को तोड़ रहे हैं, घरों में घुस के औरतों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सारी बातें की है, और हमको यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इसका सख्त संज्ञान लेकर जो अरेस्ट किया उनको बेले नहीं हो, ऐसा प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेगी उनके लिए, और उनको हमेशा अंदर रखा जाए, लंबे टाइम तक अंदर रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आएगी। ये सब बात हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के CM है, वो भी इस बात का संज्ञान लें और गौर करें कि इस तरह की चीज़ें आगे से ना हो। हम चाहते नहीं कि महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो, मगर कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, वातावरण खराब हो। उनके इरादों को, मंसूबों को अगर वाकई में आप सीरियस हो, वाकई में आप चाहते हो रोकना, तो इन जैसे दरिंदों गुंडों को आप सलाखों के पीछे लंबा टाइम रखिए, तब एक एग्जाम्पल जाएगा और हमको भी लगेगा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ, हमको न्याय मिला है। वरना आप भी और कुछ जो सेक्युलर पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट लिए मुसलमानों के, उनको आज सत्ता में बिठा दिया, बताइए कौन आया है यहाँ पे, कौन मुंह खोल रहा है, कौन जुबान खोल रहा है, जिनको आपने MP बना के दिल्ली भेज दिया, कोई नहीं आया आज, कोई बात करने नहीं आया। लेकिन हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा कहा है, कुछ भी हो, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, चुनाव से हमारा नहीं, मगर जाओ जहाँ पे इंसाफी हो रही है वहाँ पे लड़ाई लड़ो, हक की बात करो, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखो। हम आए हैं और हमको यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें सीरियस स्टेप उठाएगी।